हिंदू धर्म में कई तरह की परंपराओं और रीति रिवाजों का अनुसरण किया जाता है। वैदिक परंपरा में अनुष्ठान, पूजा पद्धति, धार्मिक क्रियाकलाप और व्रत त्यौहार जैसे कई आयोजन किए जाते हैं। सनातन धर्म में किसी जातक के जन्म से पहले यानी गर्भधारण और मृत्यु के बाद भी कई तरह के संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं। इन्हीं में से श्राद्ध पर्व और पितृपक्ष एक प्रमुख तिथि और संस्कार माना गया है। पितृपक्ष हर वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह की अमावस्या की तिथि तक माना जाता है और इस तरह पितृपक्ष पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कुल 16 दिन का होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती, इसीलिए इस पक्ष में 16 दिन होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि इस अवधि में हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुँचाते हैं। चूँकि ये पक्ष वर्षा काल के बाद आता है, अतः ऐसा माना जाता है कि आकाश पूरी तरह से साफ हो गया है और हमारी संवेदनाओं और प्रार्थनाओं के आवागमन के लिए मार्ग सुलभ है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त ये काल इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें सूर्य कन्या राशि में रहता है और ये ज्योतिष गणना पितरों के अनुकूल मानी गई है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बहुत जरूरी माना गया है। माना जाता है यदि श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है। ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी व नाराज हो जाती है। दोस्तों, श्राद्ध से जुड़ी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।